ये जो चीज़ है ये है पक्का लाल रंग, ये आएगा 60 रुपए के 10 पीस। ये पर्पल बन जाएगा, ये देखो जेनुइन चीज, इसमें तो मुर्गा लगा। ये देखो इस बार ट्रेंडिंग में आई है यहाँ पे हथौड़े वाली पिचकारी, 60 रुपए के 10। ये एक में कितना ग्राम है? सो हे व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस आप लोगों ने ब्लॉग की स्टार्टिंग देख के समझ ही आ गया होगा कि आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ दिल्ली की सबसे बेस्ट होली कलर की मार्केट। एक तो यार साली कितने ज़्यादा चल रही, सारे बाल खराब हो रहे हैं, क्या करूँ, बाल सारे खराब हो गए। अरे तो फिर मैं काला आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे खड़ो जाता हूँ। हाँ तो गाइस मैं आज आया हूँ होली की सबसे बेस्ट मार्केट, दिल्ली की बेस्ट होली कलर मार्केट में। और आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया होगा, होली आने में अभी कुछ ही टाइम रह गया है और हम आप लोगों को आज दिखाएंगे सबसे बेस्ट बेस्ट कलर्स, बेस्ट बेस्ट स्प्रेज और काफ़ी चीपेस्ट प्राइस के अंदर। तो आप लोगों को लेके आ चुके हैं, अभी मैं उतर रहा हूं 30,000 मेट्रो स्टेशन से। तो आप लोगों को भी अगर आना है तो आप लोगों को यहीं से उतरना पड़ेगा और यहाँ से उतरने के बाद आप लोगों को चलना है नीचे। यहाँ से मिलेगा 10 रुपये का रिक्शा, जाना बोल देना भाई होली की कलर की मार्केट छोड़ दो, आपको छोड़ देंगे 10 रुपये में। और वहाँ से आप लोग वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पर मिलेंगे खूब सारे कलर्स। अभी रिक्शे से निकले हैं, इसके यहाँ भीड़ देखो, इसे ही कहते हैं 17,000, दिल्ली की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मार्केट। भाई ये पक्का रंग कैसे दिया? 400 ग्राम। बड़े भाई कैसे भी देख लो, मैं कभी खेल करूँ तो उसके लिए बताऊँ। अच्छा ये तो लाल बन जाएगा, ये और ये कौन से कलर बनेगा? हरा बनेगा। इसकी डब्बी कैसे दी है? डब्बी ना देखता हूँ इसकी, जब खुले ही देखते हैं। ये पर्पल बन जाएगा, देखो ये पक्के कलर ले लिए, ये आपको मिल जाएंगे अलग अलग दुकान पर, अलग अलग कलर मिल जाएंगे। साला ये ग्रीन दिख रहा है तो ये पर निकला पर्पल कलर, ये दिख रहा है ब्राउन तो ये निकला कौन सा कलर निकला था, ये ग्रीन निकला, और जो ग्रीन दिख रहा था वो निकला लाल, अलग अलग निकलता था। आप चेक कर लेना, देखो मैंने अपने हाथ पे चेक करवाया था और एक पेपर चेक करवाया था, ये वाला कांच वाला, देखो ये पर्पल निकला था ये वाला। आप लोग एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग कभी भी स्प्रे लेने आओ ना तो हमेशा इस वाली कंपनी का स्प्रे लेना, देखो कौन सी कंपनी है, जो ये बॉस लिखा होता है ये वाला होता है। क्यों? रीज़न ये है, जो दूसरे वाली जो कंपनी होती है उसके अंदर जो हीट वगैरह के वो होते हैं ना रैप, उसके ऊपर लगा के और ऐसे उसके अंदर भरे जाते तो वो मतलब स्किन के लिए सही नहीं था। ये वाले मिल रहे हैं 100 रुपये के 4। अंकल जो 50 और 100 वाला गुबाड़े वाला वो है, वो कितने कितने के हैं? 50 रुपये। इसमें कितने गुबाड़े हैं? 50 रुपये। इसमें कितने गुबाड़े हैं? 500। और कितने का ये? 60 रुपये। 500 और 60 रुपये, इससे तो पूरी होली बन जाए, बच जाए सारे मिल के हमारे होंगे। ये तो एक गली के लिए है, इकट्ठे गली वाले इकट्ठे ले जाओ एक पैकेट। ये वाले कैसे दिए? ये वाले कैसे हैं? 70 रुपये का आया है। 70 रुपये? 2 हैं इसमें, 3 हैं। लेगा तू ये? बोल तो रही थी मेरे हैं, मम्मी बोल तो रही थी लेने को, ये वाला। ये वाला लेगा, मैं भी यार लूँगा। देखो भाई ये जो चीज़ है ये है पक्का लाल रंग, ये आएगा 60 रुपये के 10 पीस, इसके अंदर 10 निकलेंगे डब्बियाँ वो होंगी, 60 रुपये का है ये डब्बा, इसमें 10 पीस निकलेंगे। और अंकल गुलाल कैसे दिए? 60 रुपये के 10। ये एक में कितना ग्राम है? 60 रुपये के 10, मतलब 6 रुपये का 100 ग्राम। बहुत बड़ी मार्केट है, देख सकते हो सामान पर जाम बहुत है, भीड़ बहुत है, थक जाओगे कसम से। ये देखो यहाँ पे अलग अलग ही गोली गोली वाले कलर हैं, अलग अलग एक एक दाना भूल जाएगा, वो जाम भूल जाएगा और पैसा हो जाएगा। बाकी वाला ना ये पर्पल हो जाएगा, हरा है, पिंक है, सारे अलग अलग है। ये देखो जेनुइन चीज, असली चीज तो ये है, इसके बने अलग अलग कलर हमारे शरीर के। मैंने भी बाइक 40 रुपये का पाव, ये है
और ये भी लिया है, तो एक पाव ये लिया है, एक पाव गोल्डन लिया, एक पाव सिल्वर लिया। और जो डब्बी है ना इसकी 10 रुपये की एक डब्बी है, 80 रुपये की 80 रुपये की लोगों ने 12 ही है, तो ले सकते हैं अपने हिसाब से। 80 रुपये की ले ली तो 6 ले ली, और मैं तो पाव करवा रहा हूँ पन्नी। एक पाव दो, हाँ 40 रुपये पाव है ना। ऐसी कर दूंगा हम तेरे को इस बार, हाँ ऐसी कर दूंगा इस बार। चक्कर आ रहे हैं क्यों मैक से? तबीयत मेरी ख़राब है और चक्कर हूँ भाई को आ गए, वहाँ बैठ के सामने दुकान में जाके चाहूँ में धूप में खड़े थे ना, चक्कर आ गए। और ये सब ले लिया, बाकी यार मेरे को लेने का मन तो है, लेकिन यार अब क्या करूँ, इसका करूँगा क्या, वेस्ट जाएगा, बहुत सारा सामान हो जाएगा ना फिर, इसलिए इसे ले नहीं रहा हूँ। मैंने ये स्मोक लिया है जो मेरे पे वाली गन्नी होती, जो मैंने अपने बर्थडे पे यूज़ करी थी ये वाली, और ये वाली गन से फायर गन से इससे ये निकलेंगे। अलग अलग कलर के हैं, 6 पीस हैं, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग स्मोक हैं, सारे कलर अलग अलग हैं। 240 रुपये का मिला, 240 रुपये के 6 पीस गन के अंदर लगाऊंगा और हवाबाजी करूंगा उस दिन के, तो सही है। ओम भाई तो बेचारे जमीन में बैठे हुए। देखो गुलाल का पैकेट है, कैसे कर रहे हैं, 60 रुपये के 10 पीस है, 80 ग्राम का है, पर ये वाला हरबल है, इसने मैंने लग लिया। मैंने पूछ लिया है पहले हरबल भारी लिखा है अंदर से भी है, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है थोड़ा, ठीक है स्किन पर इंग्रीडियंट्स के अंदर झूठ नहीं लिख सकते। तो 60 रुपये 10 पीस है, तो मैं 6 कलर हैं, तो पूरे 30 पीस ले रहा हूँ, 5 5 5 5 सारे। सोच रहा हूँ भाई आ जाए तो ये सामान भी ले लो एक अपने लिए, ये मिलना है 150 रुपये का एक पकड़ियो। अगर मैं ये पहनूं तो मैं कैसा लगूंगा? सही लग रहा हूँ है? यार इसमें पता नकली लग रहे हैं यार, ये बढ़िया देख रहा हूँ, ये वाले अलग लगेंगे तो ये वाले बढ़िया लूँगा, ये वाला लूँगा या फिर ये वाले बढ़िया लगेंगे तो ये वाला लूँगा। पकड़ियो ऐसे पकड़, इसमें तो मुर्गा लग रहा है। कौन से लोग बता, वो वाले बढ़िया लग रहे हैं? इस तो मैं मत रख, हाँ बता कौन सा लूँ, ये वाला लूँ या फिर ये वाला लूँ, पता नहीं बता भी नहीं रहा। और जे देखिए ज्यादा बढ़िया है क्या, इन सब से ठीक लग रही है भाई? ये देखो ये देखो, इस बार ट्रेंडिंग में आई है यहाँ पे एक हथौड़े वाली पिचकारी। ओम भाई चक्कर से आते तो ये पकड़ लेंगे, देखो धूप भी नहीं आ रही है। ये देखो ये एक लेके जा रहा हूँ, दूसरा पीस ले लूंगा यार, इसमें ऐसा हो रहा है। पर ये वाली बढ़िया है, और ये वाली भी है 80 रुपये की है, कुछ कुछ जगह मैंने सुनी थी 50 रुपये की भी, लेकिन कोई बात नहीं चलो जैसे मिल गए। और बाकी देखो ये जो गुब्बारे भरने वाली पिचकारी है, ये छोटे छोटे, और देखो ये कैसे थी, ये 100 रुपये की है, बच्चों के लिए तो बेस्ट है भाई। मैंने सामने दुकान से पिचकारी ले ली, और ये ओम लेने आया आरएफ के लिए पिचकारी, छोटे बच्चों वाली जैसी वाली होती हैं। रेट पूछ ले ओम इनकी, ये वाला 400 रुपये पूछ ले, ये वाले कितने की भाई? ये वाली देखो भाई, तोड़े वाली ये ले ली पिचकारी अपने भाई छोटे के लिए, आरब के लिए वाली ले ली पिचकारी, 200 रुपये की बड़ी सिंगल पीस, 100 रुपये की बड़ी, तो मैंने हवाबाजी के लिए लिया, किसी बच्चे को पसंद आ जाएगी इसको दे दूंगा, इसलिए ले ली क्योंकि मैं तो चलाऊंगा नहीं। थोड़ा आगे की तरफ बड़ा तो इस पर लेते 100 रुपये में 3 350 ml वाले, और जो 250 ml वाले वो मिल रहे 100 रुपये के 4, तो वो आएंगे 1000, मतलब 1000 ml आएगा टोटल, और 350 वाले आएंगे हमारे 1050 ml, तो मैंने ये ले लिए 3 ठीक। और देखो ये नई चीज़ है एक मैजिक कलर, जो नहीं होता बम जैसे जलाते हैं उसमें कल स्मोक निकलता है,
ये 50 रुपए के 5 पीस मैं और ये भी सबके अलग अलग प्राइस है। आप लोगों को ऐसी शॉप से थोड़ा बहुत ओपन मतलब रिटेल में सामान मिल जाएगा, बड़ी शॉप से लोगों तो वहाँ पे होलसेल में ही मिलेगा। ऐसे 12 पीस यहाँ पे खुलने में मिल रहा था, मैंने सोचा ले ही लेता हूँ, 3 तो ले ही चले जाता हूँ। तो गाइस अभी अभी आए हम लोग वहाँ से मार्केट से पैदल चलते चलते यहाँ तक लाल किला के बस स्टैंड तक, और आके अभी बैठे हैं और हम लोगों ने कर लिया भाई कम से कम अभी मैंने हिसाब लगाया 1500 से 2000 रुपये तक की शॉपिंग। मज़ा आ गया, मज़ा क्या आया, पैसे खर्च हो गए। और अभी फिलहाल अभी 2 दिन बाद फिर जा रहा हूँ मथुरा वृंदावन, अभी यहाँ पे आके बैठे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, बस से जाएंगे क्योंकि मेट्रो में ना ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती, इसलिए हम लोग वैसे तो आए मेट्रो से थे लेकिन अब जाएंगे बस से। और आप लोगों को कहता हूँ यहाँ पे 2 रास्ते आने के, अगर आप लोग को आना है तो आप 30,000 ही मेट्रो स्टेशन से उतर के आके बोल दो सदर बाजार जाना है होलियारी मार्केट, तो वहाँ पहुँचा देंगे रिक्शे से, और या फिर वरना यहाँ पे उतरो लाल किला या जामा मस्जिद और यहाँ से रिक्शा पकड़ो सदर बाजार का बोलो और बोल दो कि होलियारी मार्केट पहुँच जाना है तो यहाँ से पहुँचा देंगे, जो आप लोगों को बेस्ट रूट पड़ा है वहाँ से आना। अब हम लोग आए थे 30,000 मेट्रो स्टेशन की तरफ से और जा रहे हैं चांदनी चौक लाल किले की तरफ से। देखो साले बस स्टैंड पर बैठा हूँ मैं, देखो लाल किले का स्टैंड है, वो जैन मंदिर है, इस वाली साइड लाल किला है, यहाँ बस का इंतजार कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग भी आ सकते हो, इस वाली तरफ से आने इस वाली तरफ से आओ, और वरना जिस तरफ से आने उस तरफ से आओ। बाकी ये पिचकारी भाई रस्ते में लोगों ने सर पूछा भाई कौन सा तोड़ा है कितने का तोड़ा, भाई ये रस्ते में हथौड़ा नहीं है, पहले से पिचकारी है। और ये ओम भाई की पिचकारी, ओम भाई वाली पिचकारी यूज़ करेंगे और मैं वाली पिचकारी यूज़ करूँगा, फिर देखते हैं अगर मैं जीता नहीं तो मैं सर बजा दूंगा ओम को। पहले हम लोगों ने गन्ने का मूछ लिया तब जाके इस भाई की थोड़ी हालत ठीक हुई, वरना तो ये अधमरे हो चुके थे। जिस दुकान पे देखो उस दुकान पे लेट आ रहे थे, वो दुकान वाले कह रहे भाई पन्नी में सामान निकल जाएगी रहने दो, ये मान ही नहीं रहा था, और क्या है बस आई नहीं आई नहीं आई अब तक। मैं आप लोगों को अगर मेरे को लिंक मिलेगा तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर मार्केट का, अगर नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को रूट बताई दिया आ जाना। बाकी भाई यही था एक आज का एक ब्लॉग, अगर आप लोग ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, आप लोगों को बता दूंगा। बाकी मैं आप लोगों से कल एक नया जल्दी ही एक नए ब्लॉग है, तब तक के लिए राधे राधे। वैसे डेली ब्लॉगिंग करी थी ना तो इसके वजह से कल की आदत पड़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आएंगे अच्छे अच्छे से और आएंगे, अभी थोड़ी पढ़ाई वगैरह चल रही थी, तबियत खराब चल रही थी, इसके वजह से नहीं आ पा रहे, लेकिन आएंगे अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मिलूंगा जल्दी एक नए ब्लॉग है, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।